हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कस्तूरी रॉय चैनल में। दोस्तों, आज हम हरे मटर की पूरियां बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये हरे मटर के दाने लिए हैं। दोस्तों, मैंने एक कटोरी लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। जीरा लिया है मैंने। नमक, हींग, आप कोई भी हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पत्ता, और तलने के लिए रिफाइन का तेल, आप सरसों तेल में भी बना सकते हैं। दोस्तों, पूरी बनाने के लिए मैंने एक बड़े कटोरे में आटा लिया है। दोस्तों, मैंने मैदे का भी इस्तेमाल किया है, ये थोड़ा कम रहेगा। आटे में हम थोड़ा हल्का नमक भी देंगे, थोड़ा चीनी, और एक चम्मच अजवाइन। दोस्तों, हरी मिर्च और लहसुन को हम कूट लेंगे। दोस्तों, हरे मटर को हम भून लेंगे धीमी आंच पे। दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख लिया है, गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। दोस्तों, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने मटर के दाने डाल लेंगे। ये पक ना जाए, पकने के लिए इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। कर छोड़ देंगे। दोस्तों, आटे को हम गूंथ लेंगे। चीनी डालेंगे। हाथ से इसे प्रेस करके डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसको। दोस्तों, मटर हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। पानी नहीं डाला है मैंने इसमें, आप देख सकते हैं फिर भी इसमें कितना पानी है। दोस्तों, मैंने आटे को गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं ना ये ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है, मीडियम ही है।
देखें मटर हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये मतलब देखिए। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे, मटर को हम पीस लेंगे। दोस्तों मटर को मैंने पीस लिया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे, जो लहसुन और मिर्च जो मैंने कूट लिया था उसको डालेंगे। नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार। जो हमारा धनिया का पत्ता था उसको भी अभी डाल देंगे। दोस्तों ये जीरा जो है इसको पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे। हींग डालेंगे, दोस्तों जीरे को हमने तवे पे रोस्ट कर लिया है, अब इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों मैंने अच्छे से इसमें सब कुछ मिला लिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आटों की लोइयां बना ली है, ज्यादा बड़े नहीं है, मीडियम साइज का है। अब हम इन्हीं लोइयों में अपना मटर को भरेंगे, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। इस तरह से बना लेंगे कटोरी जैसे। ज्यादा नहीं भरेंगे, अगर ज्यादा भरेंगे तो ये फट भी सकता है। भरने के बाद जो हमारा आटा है इसको काट के निकाल देंगे। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हम सभी लोइयों में भर लेंगे। दोस्तों इन सारी लोइयों में मैंने भर लिया है, मटर को मैंने सब में मीडियम ही भरा है, ज्यादा नहीं भरा है ना कम भरा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पे हम थोड़ा आटा लगाएंगे, हाथ से इसे चिपटा कर लेंगे। हल्के हाथ से करना है, दबाना नहीं है वरना फूट सकता है ये। आप बेल के भी बना सकते हैं।
दोस्तों। दोस्तों सारे लोइयों को मैंने कुछ इस तरह से बड़ा कर लिया है, ना बड़ा है ज़्यादा ना छोटा है, आप देख सकते हैं। मैंने बेला नहीं है, हाथों से किया है। दोस्तों कढ़ाई को मैंने रख लिया है, गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। दोस्तों कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने पूरियों को डालेंगे। सीख चुका है, देखिए दोस्तों किस तरह से पूरियां फूल रही हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। दोस्तों ऐसे ही हम सारे पूरियों को छान लेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे। सारी पूरियों को मैंने छान लिया है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा से ये फूल चुका है। दोस्तों आप इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कीजिए, आप पुदीने की चटनी भी ले सकते हैं, धनिया की चटनी ले सकते हैं, या इसे ऐसे भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।